अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नुमान और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल नुमी। फ्रेंड्स, मैं आज उन लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सेटिंग, फेसबुक की सेटिंग लेकर आया हूँ जो बहुत ही परेशान रहते हैं। और इस वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी फेसबुक आईडी हर वक्त कोई हैक कर देता है। तो आज मैं उनकी ये टेंशन दूर करने जा रहा हूँ। अब हैकर जाएं बाढ़ में, आपकी आईडी, फेसबुक आईडी कोई हैक कर ही नहीं सकता। बेशक आपका फ्रेंड हो या कोई हो, उसको आपकी फेसबुक आईडी का कोड भी पता हो, नंबर भी पता हो, ईमेल पता हो, लेकिन वो आपकी आईडी कभी भी हैक नहीं कर सकेगा। तो उसकी उसको हम आई उसको अपनी आईडी को हैक होने से बचाने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है। मेरी अगर आप वीडियो पूरी वॉच नहीं करेंगे तो आपको मेरी इस सेटिंग के बारे में समझ नहीं आएगी। तो फिर आप बोलेंगे कि यार ये सेटिंग हमें समझ नहीं आ रही है, किस तरह होती है। तो आपको मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखनी है, ताकि मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको मैं मुकम्मल समझा सकूँ कि आपने किस तरह सेटिंग करनी है और क्या सेटिंग करनी है। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गाइज़, सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक ओपन कर देनी है। जैसे ही आप अपनी फेसबुक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह आपकी फेसबुक आईडी ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो, आपने अपने इन थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने इन थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको नीचे लास्ट में आ जाएंगे। जैसे ही आप नीचे लास्ट पर आ जाएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन शो होता है। गाइज, मेरी वीडियो गौर से देखिएगा और पूरी वॉच करिएगा ताकि आपको मुकम्मल सेटिंग के बारे में समझ आ सके और आपकी आईडी कोई हैक ना कर सके। अगर उसको कोड भी पता हो आपकी आईडी का, तब भी वो आपकी आईडी हैक ना कर सके। तो नीचे जैसे ही आएंगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आपने क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होगा। आपने दोबारा फिर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि लोडिंग हो रहा, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो गाइज, ये जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो सेटिंग, तो ये आपने ज़रूर कर देनी है। गाइज, आपने अपनी इन पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी इस पर्सनल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये सेटिंग आपने इस सूरत में करनी है ताकि जब आपको ये जो नंबर आपने यहाँ ऐड किया फेसबुक का, ये आपके पास ना हो। आप ये नंबर आपके आप ये जो नंबर है ये आपके पास ना हो, ये किसी और के पास हो, या ये कोई फेक नंबर हो। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर कर सबसे पहले आपने अपना नंबर चेंज कर देना है, जो नंबर आपके पास मौजूद हो। फ़र्ज़ किया ये नंबर अगर आपके पास मौजूद है तो आप फिर इसको चेंज नहीं करें। अगर ये आपके पास चेंज आपके पास नहीं है, ये नंबर आपके पास मौजूद नहीं है, ये नंबर कोई और यूज़ कर रहा है या ये नंबर बंद है, तो उस सूरत पर आप ये नंबर चेंज करें। तो जैसे आप ये नंबर चेंज करें, आप चेंज करने के बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने फिर दोबारा बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आएंगे तो आपने सेटिंग के ऑप्शन आप पर आपने क्लिक किया हुआ, तो आप थोड़े से नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। जैसे आप सिक्योरिटी एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे कि अभी गाइज लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा। गाइस, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने कुछ एक ऑप्शन नज़र आएगा, यूज़ टू फैक्टर। ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आपसे पूछेगा आपको मैसेज के ज़रिए मैं आपको एक कोड भेजूँ। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर ऑप्शन ऑन करके आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू से क्लिक करने से पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। गाइज, अगर आपके आईडी का कोड किसी को पता भी हो, वो अपने फ़ोन में लॉगिन करना चाहता है, तो सबसे पहले जो आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना नंबर ऐड किया होगा, उस पर एक कोड आएगा। जैसे कि ओटीपी कोड आता है, वैसे एक कोड आएगा। तो आप वो कोड अपनी और आईडी लॉगिन करने से पहले वो आपसे वो कोड मांगेगा। आपने अपने पासवर्ड जो लगाया, उसके अलावा एक और कोड मांगेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक कोड मांगा आपसे। जब आप वो कोड उसको देंगे तब जाकर आईडी लॉगिन होगी। तो जो जाहिर है, जो नंबर आपके आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप ऐड किया होगा, वो नंबर अगर आपके पास मौजूद होगा तो आपके पास एक कोड आएगा और आप कोड उसमें इंटर करके तो भी जाकर अपना आप आईडी लॉगिन कर सकेंगे। तो गाइस, जैसा कि ये जो नंबर है ये मेरे पास मौजूद नहीं है,
तो इसलिए मैं अभी इस आईडी को लॉग आउट नहीं करना चाहता। आप जैसा अगर आपके पास ये नंबर मौजूद हो जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऐड किया है, या अगर मौजूद नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना नंबर। तो आपने यहाँ पर आके अपने टेक्स्ट मैसेज के ऊपर अपनी ऑप्शन लगा कर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद आपके नंबर पर एक कोड आएगा आपके, तो वो कोड आप लगाएंगे तो उसके बाद आपकी आईडी लॉग इन होगी। हर बार आपका एक चेंज हुआ हुआ कोड आएगा, जैसे कि ओटीपी हर बार चेंज होती है, उसी तरह आपके पास हर बार जिस टाइम भी आप अपनी लॉग आईडी लॉग इन करेंगे या आपकी आईडी को लॉग इन करना चाहेगा, आपके पास कोड आएगा। जब तक आप अपना वो कोड उस पर नहीं लगाते तब तक आपकी आईडी कोई लॉग इन नहीं कर सकेगा। तो गाइज आप अब आप टेंशन फ्री हो जाएं कि कोई भी आपकी फेसबुक आईडी हैक कर सकेगा। आईडी हैक करना अब हैकर के बस की बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में सब बता दिया है कि आपकी आईडी अब कोई भी हैक नहीं कर सकेगा। तो गाइज मेरी वीडियो को आपने पूरा वॉच करके मुकम्मल सेटिंग देखनी है। अगर आपको नहीं पता तो अगर आप स्किप कर देंगे तो आप मेरी वीडियो पूरी आप मेरी सेटिंग के बारे में पूरा नहीं जान सकेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरा कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा बल्कि मेरी हौसला अफजाई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं टेक्निक के बारे में जो भी वीडियो बना सकूँ उसका प्रमोशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो गाइज अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मेरे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और नई टेक्निक के बारे में आपके पास मैं वीडियो ला सकूँ।